हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। तो बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन के पार्ट 20 वीडियो लेक्चर में हम और कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स एंड वेरियस ट्रीटमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो अलग अलग मेडिसिन्स यूज होती है उसके डिटेल स्टडी करेंगे पार्ट 20 वीडियो लेक्चर ऑफ दिस मेडिसिन सीरीज़। सो स्वागत है आपका फार्मारॉक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज का जो हमारा पार्ट 20 लेक्चर है स्पेशली रहेगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के ऊपर कि जो टीबी जो डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस जो हम कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कहा जाता है। कि यहाँ पे आप लेबल देख सकते हैं उसका कि जो अलग अलग ऐसे है कि रिफाम्पिसिन है, फिर आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन। तो अलग अलग ये मेडिसिन्स यूज़ होती है टू ट्रीट टीबी। तो टीबी के लिए जो डॉट्स थेरेपी यूज़ की जाती है कि जिसके अंदर ये टैगलाइन है गवर्नमेंट का कि पूरा कोर्स पक्का इलाज, कि जो डॉट्स थेरेपी है, डॉट्स थेरेपी के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डॉट्स के अंदर ये थेरेपी के अंदर मेडिसिन दी जाती है पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। कि जो डॉट्स ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। और उसके अंदर जो मेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इंक्लूड होते हैं कि जो पूरा मल्टी ड्रग थेरेपी होती है कि जैसे लेप्रोसी के अंदर हमने देखा था कि मल्टी ड्रग थेरेपी, ऐसे ही इसके अंदर रिफाम्पिसिन रहती है पेशेंट के लिए, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल। तो ये चारों का हम यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेंथ भी। रिफाम्पिसिन 150 mg, आइसोनियाजिड 75, पायराजिनामाइड 400 mg एंड इथाम्ब्यूटॉल 2 to 5 mg जितना उसका डोज रहता है। तो इस तरह से अलग अलग जो उसके रेजिमेंस है वो यूज़ होते हैं फॉर डॉट्स थेरापी ऑफ टीबी। तो इसी को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो बी अपडेटेड विथ फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यू विल फाइंड आउट द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑन दिस ऐप। सो ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको प्रिंटेड मटेरियल के एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी मटेरियल के। ऑन द ऐप ऑल्सो यू विल फाइंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस, इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट, रैंक सिस्टम एंड मच मोर। टू गेट दिस और फैसिलिटीज ऑन ऐप फार्मारॉक्स, कि फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड स्टार्ट द लर्निंग। गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एप्पल आईफोन एज वेल एज गूगल प्ले स्टोर दोनों वर्जन में अवेलेबल है कि एंड्रॉयड एंड एप्पल यूज़र्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज़ है, कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ कही जाती है, कि जो होती है स्पेशली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण, कि जो एक टाइप का ग्राम पॉजिटिव एंड एरोबिक एसिड फास्ट बैसिली है। तो जब किसी पर्सन को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके कारण जो है वो जो डिसीज़ होती है उसको कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, और शॉर्ट में उसको हम टीबी कहते हैं कि किसी पर्सन को टीबी हुआ है। तो टीबी मतलब कि स्पेशली जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये डिसीज़ अफेक्ट करती है, जो लंग्स है हमारे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं टीबी के अंदर, बट ऑल्सो कैन अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोस्ट इन्फेक्शन डू नॉट हैव ए सिम्टम्स, इन विच केस इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर सिम्टम्स जो है डेवलप नहीं होते, बट पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है तो वो कहा जाता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। एमसीक्यू के लिए आप पॉइंट अच्छे से याद रखिए। तो यह है टीबी ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अच्छे से याद रखिए। इस टाइप के बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव, एरोबिक, एसिड फास्ट, फर्स्ट डिस्कवर इन 1882 बाय रॉबर्ट कोच एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैज एन unusual waxy coating on its surface, primarily due to the presence of mycolic acid। तो ये MCQ के लिए आपका पिन पॉइंट है, तो ये पिन पॉइंट अच्छे से याद रखिए। क्या आप देख सकते हैं ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के आसपास ये वाइट वैक्सी मटेरियल आपको दिखने को मिलेगा कि वाइटनेस है उसके आसपास और एक वैक्सी कोटिंग जैसा आपको दिखाई देगा, तो वो है माइकोलिक एसिड का कोटिंग कि जो एक उसको कोटिंग प्रोवाइड करता है। दिस कोटिंग मेक्स द सेल इम्परविजस टू ग्राम स्टेनिंग। तो ये था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और उसके कारण होने वाली डिसीज जो हमने देखा टीबी, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे तो स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे टीबी की जो अफेक्ट होती है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, वेट लॉस होता है, टेंडरनेस एंड वीकनेस होती है पेशेंट को। लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कि जिसके अंदर कफिंग होता है, कफिंग ऑफ स्पुटम मटेरियल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह जो इसके अंदर देखा जाता है। तो ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस होती है, साथ में पेशेंट को फीवर रहता है, चेस्ट पेन, फटीग, चिल्स, काफ़ी ठंड लगना, कफिंग ऑफ द ब्लड एंड लॉन्ग टर्म कफिंग। ये काफ़ी प्राइमरी सिम्टम है कि कफिंग तो होती है पेशेंट को। कई बार हम कफ एंड कोल्ड में भी देखते हैं कि कफिंग देखने को मिलती है, बट कफिंग विथ ब्लड, तो कफ के अंदर समझे कि ब्लड आ रहा है, तो उस वक्त ज़रूर से पेशेंट को टेस्ट करवा लेना चाहिए टीबी रिलेटेड, कि जिससे अगर आपको इसका इन्फेक्शन हुआ है तो जल्दी से आपकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो सके। तो ये सिम्टम्स मेन इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि फीवर तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस में भी होता है, बट उसका जो मेन यहाँ पे हम सिम्टम्स देखें तो एक तो ठंड लगना काफ़ी, कफिंग ऑफ विथ ब्लड एंड लॉन्ग टर्म कफिंग। यूजुअली जब कफिंग होती है तो विद इन ए 3 और 4 डेज या 1 वीक के अंदर क्योर हो जाता है, बट समझे कि 15 दिन तक, 1 महीने तक आपका कफ कम ही नहीं हो रहा है, प्लस आगे जाके कफिंग के साथ साथ ये जो हम देख सकते हैं कि ये रुमाल के ऊपर हम ब्लड देख सकते हैं, ये जो पेशेंट दिखाया है, तो इस तरह से ब्लड भी आता है। तब आपको ये सिम्टम्स जो है वो सीरियस लेके तुरंत ही प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना चाहिए। उसके रिलेटेड जो टीबी की जो टेस्ट होती है, मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं, वो भी परफॉर्म करवा लेनी चाहिए। तो यह उसके और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम्स के कफिंग ऑफ इन द ब्लड, ये प्राइमरी, फिर फीवर, चेस्ट पेन, चिल्स, वेट लॉस होना, नाइट स्वेट, नो एपेटाइट, फटीग एंड लॉन्ग टर्म कॉफ। तो ये है मेन सिम्टम्स। तो उसी को क्योर करने के लिए हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की जो बेसिक यूज़ है ये मेडिसिन्स का, व्हाट इज़ द बेसिक यूज़, की जो हमारा मेन टाइटल को जस्टिफाई करे ये लेक्चर का, तो बेसिक यूज़ हम जानेंगे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का। तो ये कौन सी ड्रग्स है, तो एक तो रिफाम्पिसिन कैप्सूल्स आती है, रिफवेल कहा जाता है, आइसोनियाजिड के भी कैप्सूल्स। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनको इंडिविजुअली इस तरह से भी ट्रीटमेंट दी जाती है, एंड सबसे बेस्ट है उसका थेरापी की जो कहा जाता है डॉट्स थेरापी, कि जो डॉट्स थेरापी जो पेशेंट को दी जाती है कि डॉट्स हेल्प द पेशेंट टू फिनिश द टीबी थेरापी एज क्विकली एज पॉसिबल। कि डॉट्स थेरापी जो है कि पूरा कोर्स पक्का इलाज, उनकी जो टैगलाइन है गवर्नमेंट कि अगर कोई पेशेंट पूरा कोर्स उसका कर लेता है तो उसका इलाज जो है वो कन्फर्म है। पूरा कोर्स पक्का इलाज, इट मीन्स इफ यू टेक द कंप्लीट कोर्स ऑफ दिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स डॉट्स थेरापी देन देयर इज श्योर अबाउट द प्रॉपर क्योरनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। पेशेंट जरूर से क्योर होगा ड्यू टू दिस डॉट्स थेरापी। डॉट्स हेल्प टू प्रिवेंट द टीबी from spreading to others. Even डॉट्स थेरापी से एक टीबी वाले पेशेंट से दूसरे टीबी वाला पर्सन भी इन्फेक्टेड होने से बच सकता है. उसके बाद डॉट्स डिक्रीज द रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस रिजल्टिंग फ्रॉम एरेटिक और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट. कि प्रॉपर डॉट्स की थेरापी पेशेंट जो लेता है तो डिक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज पेशेंट finish the TB therapy as quickly as possible without unnecessary gaps. कि डॉट्स थेरापी के अंदर जब आप एक बार स्टार्ट करते तो बिना गैप किए कंटिन्यूसली जो उसकी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को लेनी चाहिए कि जिससे उसकी जो है वो प्रॉपर डिसीज़ जो है वो क्योर हो जाए. तो डॉट्स डिक्रीज द चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट फेल्यूर एंड रिलैप्स. कि कई बार रिलैप्स होते हैं कि एक बार टेम्पररी क्योर हो जाता है बट फिर से वो डिसीज़ हो जाती है तो रिलैप्स होते हैं. प्लस कई बार ट्रीटमेंट फेल्योर हो जाता है तो वो जो अलग अलग एविडेंस देखे गए हैं वो जो अलग अलग केस स्टडीज़ है उससे पता चलता है कि जब कोई पेशेंट थेरापी को अच्छे से फॉलो नहीं करता तो आगे जाके वो फेल्योर भी होती है एज वेल एज रिलैप्स भी देखे जाते हैं. बट जब आप डॉट थेरापी को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो उसके कारण ना ही कोई ट्रीटमेंट फेल्योर होता है ना ही रिलैप्स, मतलब कि काफ़ी डिक्रीज हो जाते हैं चांसेस ट्रीटमेंट के फेल्योर होने के. तो डॉट्स क्या है तो ये भी आपके पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज डॉट्स. तो डॉट्स का जो फुल फॉर्म है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी. डॉट को क्या कहा जाता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसके अंदर डॉट्स इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट विथ ए फॉर ड्रग रेजिमेंट. चार ऐसी ड्रग है कि उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल फॉर 6 to 9 month. तो ये जो बात कर रहे हैं पूरा कोर्स, तो ये जो पूरा कोर्स जो है उसकी जो वैलिडिटी हम कहें तो किसी पर्सन को एटलीस्ट 6 से लेकर 9 महीने तक की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए कि जो पूरा उसका कोर्स रहेगा. तो ये जो पूरा कोर्स करेगा पेशेंट डॉट्स का कि आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल, तो पक्का इलाज जो है वो कंफर्म है. तो जानते हैं अभी और मेडिसिन के बारे में. तो डॉट्स थेरापी का ये जो गवर्नमेंट द्वारा जो पेशेंट्स को दी जाती है कि रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल जो प्रोग्राम है आरएनटीसीपी के अंतर्गत ये मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है पेशेंट को. आप देख सकते हैं यहाँ पे टैगलाइन लिखा है आरएनटीसीपी सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल. नॉट फॉर सेल वहाँ पे खास लिखा हुआ है. और लेबल भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है आरएक्स. एनोटेशन का कलर हम कर लेते ब्लू. तो अब देखिए यहाँ पे कि एंटी टीबी ड्रग रेजिमेंट पाउच कैटेगरी ट्रीटमेंट कंटेंट्स ड्रग फॉर द फुल कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट. यहाँ पे लिखा है कि 24 ब्लिस्टर्स कॉम्बो पैक्स होते हैं जिसके अंदर रिफाम्पिसिन लिखा है, आइसोनियाजिड है, इथाम्बिटोल एंड नमाड यहाँ पे लिखा है. तो बैच नंबर दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, बट यहाँ पे कहीं भी प्राइस जो है वो मेंशन नहीं है बिकॉज दे आर गिवन कंप्लीटली फ्री. कि जो गवर्नमेंट ये प्रोग्राम चलाती है आरएनटीसीपी का कि जिसको कहा जाता है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसके अंतर्गत ये डॉट्स थेरापी श्योर क्योर फॉर टीबी जो टैगलाइन है कि पूरा कोर्स पक्का इलाज. तो इस तरह से ये उसके ब्लिस्टर होते हैं कि ब्लिस्टर के अंदर जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग टू ही पेशेंट जो है वो मेडिसिन्स को लेता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बिटॉल की जो तैयार करती है डॉट्स. पूरा कोर्स पक्का इलाज. तो आगे जानते हैं अब और डिटेल में इसी लेक्चर के अंदर कि एंटीट्यूबी ड्रग का जो क्लासिफिकेशन, कि जो हमने आगे जाना बेसिक यूज़, अब उसका जो क्लासिफिकेशन कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग, तो उसके लिए आपको याद रखना है फर्स्ट, तो एफ मतलब कि फील्ड डिटेक्ट कोजिंग ड्रग, कि वो है इथाम्ब्यूटॉल। फिर आइसोनियाजिड कि जिसको आईएनएच कहते हैं, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्वाइस अ डे गिवन ड्रग कि जो है पायराजिनामाइड, एंड ऑल अदर फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर्स आर गिवन वंस अ डे। ट्वाइस अ डे गिवन ड्रग जो है वो पायराजिनामाइड है, उसके अलावा जितनी भी फर्स्ट लाइन है वो वंस अ डे दी जाती है ओडी। उसका मतलब ये हो गया कि इथाम्ब्यूटॉल भी ओडी, ऑल्सो द आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बट जो है ये बीडी रहेगा, मतलब कि 2 टाइम्स अ डे, बीसिन डाई 2 टाइम्स अ डे। तो ट्वाइस 2 बार दी जाती है। तो ये है हमारे मेडिसिन्स फर्स्ट लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग को याद रखने का एक और भी शॉर्ट फॉर्म है, वो है पेरिस, PERIS। ये पेरिस से होगा आपका ये पायराजिनामाइड, ई से हुआ ये इथाम्ब्यूटॉल, आर मतलब कि ये आपके रिफाम्पिसिन, आई आइसोनियाजिड, एंड एस मतलब कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेरिस या फिर फर्स्ट लाइन का भी फर्स्ट, ये दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑल्सो रिमेंबर एज अ पेरिस, पी मतलब कि पायराजिनामाइड, ई मीन्स इथाम्ब्यूटॉल, आर मीन्स रिफाम्पिसिन, एंड आई मीन्स आइसोनियाजिड, एंड एस मतलब कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये दोनों जो है शॉर्ट फॉर्म्स की जो रिमेंबर की जो ट्रिक्स है वो आप याद रख सकते हैं, कि दोनों में से जो भी आपको याद रहे, पेरिस से भी इजीली याद रह जाएगा आपको, एंड ऑल्सो बाय FIRST। ये थी फर्स्ट लाइन ड्रग। उसके बाद जो सेकंड लाइन ड्रग, ये समझो कि फर्स्ट लाइन ड्रग का इनफेक्टिव साबित हो रही है या फिर पेशेंट को रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, तो उस केसेस में हम सेकंड लाइन ड्रग्स के लाइक सैलिसाइलेट्स लाइक पैरामाइनोसैलिसाइलेट, ई मतलब कि इथियोनामाइड, सी मतलब कि साइक्लोसेरिन, ओल्ड ड्रग में थायासिटाजोन, और न्यूअर ड्रग्स के अंदर जो क्यूनोलॉन्स है लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्स, गैटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, फिर मैक्रोलाइड जो हमने सीखा था, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो, वो भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो ये है सेकंड का जो अब डी है, वो है ड्रग्स की जो रेयरली यूज़ होती है, कि जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास की कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन, अमीकैसिन, एंड रिफाब्यूटिन। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सेकंड, ये आपको याद रखना है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए कि जो सेकंड लाइन ड्रग है। उसके अलावा जो थर्ड लाइन ड्रग्स है कि जो न्यूअर ड्रग्स है, लाइक कैप्रियोमाइसिन हुज मैकेनिज्म इज आल्सो अननोन, एंड साइक्लोसेरिन कि जिसको सेरोमाइसिन कहा जाता है, विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस एंड लीड्स टू सेल डेथ। तो ये न्यूअर मेडिसिन की जो थर्ड लाइन ड्रग के कैटेगरी में रखी जाती है, वो भी यूज़ होती है टीबी के अंदर। तो ये है टीबी की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तीनों क्लास आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो और 2 नई ड्रग्स है, 2 न्यूअर ड्रग्स, बिडाक्विलाइन एंड डालामानिड, हैव रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस फॉर द यूज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेज ऑफ टीबी, यूजल इन कंजेशन विथ अदर एजेंट्स, कि अदर एजेंट्स यूजफुल नहीं हो रहे, तो बिडाक्विलाइन एंड डालामानिड, ये 2 न्यूअर ड्रग्स आपको याद रखनी है, प्राइम इम्पोर्टेंट फॉर यू। आगे जो बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर, मैकेनिज्म्स जान लेते हैं ये मेडिसिन्स की। तो आगे जो हमने बात की कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसके आसपास ये माइकोलिक एसिड का कोटिंग होता है, तो वो ब्रेक डाउन करना जरूरी है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो माइकोलिक एसिड का जो कोटिंग है, उसको अफेक्ट करने के लिए आइसोनियाजिड काम करती है। फिर रिफाम्पिसिन क्या करेगा तो वही बैक्टीरिया का जो डीएनए या आरएनए की जो एक्टिविटी है उसको अल्टर करेगी, चेंज कर देगी। इथियोनामाइड है वो सेल डिवीज़न को प्रिवेंट कर देगा, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। रिफापेंटिन की जो डीएनए एंड आरएनए एक्टिविटी को अल्टर करते हैं एंड कॉजिंग द सेल डेथ। उसके अलावा जो इथाम्ब्यूटॉल है कि जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। पायराजिनामाइड की जो बहुत टाइप की उसकी एक्शन है कि बैक्टीरिसीडल एंड स्टेटिक टाइप की दोनों टाइप की एक्शन है। एंड साइक्लोसेरिन की जो विच इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस एंड लीड्स टू सेल डेथ। जिस तरह से ये मेडिसिन काम करती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉट्स का आप अच्छे से याद रखें यहाँ पे। एंड ऑल्सो अबाउट द क्लासिफिकेशन के मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपके लिए ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। और जो आपको बेसिकली याद रखना है वो है डॉट्स, इसके अंदर कौन से रेजिमेंट्स यूज होते तो वो बन सकता है आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे सीखने के लिए फार्मारॉक्स के साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखिए। 9426180833 नंबर व्हाट्सएप है। नेम सिटी नेम को टाइप करके व्हाट्सएप कर दीजिए 9426180836 पर। सब्सक्राइब करिए चैनल। ऑल्सो यूज द ऐप एंड एक्सेस द वेरियस कोर्सेज लाइक टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल एंड much more. So get this app on Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So get the links in description box. Good luck and all the best.